modular construction system that can be prefabricated and assembled quickly at site. Any number of modules can be assembled together to make accommodation to meet the actual requirement. 10-bed hospital ward is constructed at National Disaster Response Force, the NDRF, at Ghaziabad for corona patients. It is easy to install other fittings like oxygen supply system and HVAC equipment needed. आज इस जब वाहिनी चिकित्सालय का यहां पर उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं स्वयं, क्योंकि मैं CSIR की सब लेबोरेटरीज में भी गया हूं, जिस लेबोरेटरी में यह अस्पताल 3 दिन के अंदर बनकर तैयार करने की क्षमता विकसित हुई, इस अस्पताल के इंग्रेडिएंट्स को अपने कंधे पर उठाकर लोग आगे चल सकते हैं, एक ट्रक के अंदर कई अस्पतालों का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, ये जो हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये CSIR का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। आज खाली इस तरह के अस्पताल ही नहीं, अभी तो बहुत सारे इस तरह के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स बिल्डिंग्स बनाने की उनके पास योग्यता है, क्षमता है, और खाली भारत के अंदर ही लोग नहीं अभी तो विदेश के लोग भी उनके ऊपर विश्वास जाहिर करके अभी पड़ोसी देश नेपाल ने बहुत कुछ उनको उनके देश में करने के लिए कहा है। और आपको सुनकर यह खुशी होगी कि इस महत्वपूर्ण कार्य को इस महीने की 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत वर्षों से प्रतीक्षित सारे भारत की आत्मा और भारत के लोगों के मन में हृदय में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो राम जन्मभूमि स्थान पर जो मंदिर बन रहा है उसकी फाउंडेशन कैसी हो, उसकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए देश में सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशन को इनवाइट किया गया है और जो